ऑन 24 दिसंबर 2022 मैं अपने घर वापस आ रही थी अपनी MBBS की गवर्नमेंट मेडिकल सीट छोड़कर, इन द होप ऑफ कि अगली बार मैं और अच्छे से प्रिपेयर करके अच्छे मार्क्स और रैंक लाके अपने ही स्टेट में एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट लेकर आ पाऊँगी। बट क्योंकि ये दिसंबर का महीना था, आई एम ओनली लेफ्ट विथ 4 मंथ्स ताकि अगली बार मैं अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकूँ। मैंने अपने पेरेंट्स को भी बहुत मुश्किल से कन्विंस किया था इस अगले अटेम्प्ट के लिए, बट मेरे पास क्योंकि कोई कॉलेज नहीं था, कोई मेंटोर नहीं था गाइडेंस के लिए, मेरे लिए बहुत मुश्किल था फिगर आउट करना कि मुझे क्या और कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है इतने कम लिमिटेड टाइम में, कितने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बट आफ्टर कंसिस्टेंट हार्डवर्क फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स इन NEET 2023 आई सिक्योर्ड अ रैंक ऑफ 5000 और मैं अपने स्टेट में एक टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट ले पाई। सो दिस इज हाउ माई जर्नी हैज़ बीन एंड हाई एवरी वन, दिस इज समीक्षा, वेलकम बैक टू माई चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप 4 महीने में अपने नीट का सिलेबस कम्प्लीट कर सकते हैं इस तरीके से कि आप अपने मॉक टेस्ट और अपने फाइनल नीट के एग्जाम में अच्छा स्कोर भी ला सके। सो मेक श्योर यू स्टिक टिल दी एंड, क्योंकि मैं इन टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपके साथ कुछ ऐसे टूल्स भी शेयर करूँगी जिन टूल्स की मदद से आप इंस्टेंटली इन चीज़ों को अपने प्रिपरेशन के अंदर इंक्लूड कर पाएंगे और इंक्लूड करके आप अपने मार्क्स में बूस्ट देख पाएंगे। सो विद दिस नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट थिंग इज लिमिटिंग रिसोर्सेज। जो एक क्वेश्चन हर एस्पायरेंट के दिमाग में होता है और जो मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स अपने मेंटोर से अपने टीचर से पूछते हैं इज दिस इनफ, क्या ये काफ़ी है, इतना करने से हो जाएगा? एंड आई कैन नॉट अंडरस्टैंड ये क्वेश्चन का मतलब भी क्या है एक्चुअली, बिकॉज नथिंग इज इनफ। ओके, अगर आप सिर्फ NCERT पढ़ रहे हैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्या ये इनफ है? क्या मैं सिर्फ 200 क्वेश्चन से चैप्टर कर रहा हूँ तो क्या ये इनफ है? एंड देन आस्क योर सेल्फ कि क्या आप 500 क्वेश्चन कर सकते हैं हर चैप्टर के लिए? क्या आप 1000 क्वेश्चन कर सकते हैं हर चैप्टर के लिए? क्या आप 10 बुक्स पढ़ सकते हैं बायोलॉजी के लिए? एंड देन योर आंसर विल बी नो, क्योंकि आपके पास सिर्फ 4 महीने हैं। सो नथिंग इज इनफ, लेकिन गिवन टाइम फ्रेम देखते हुए हमें अपने रिसोर्सेज को कंस्ट्रेन करना पड़ता है। वो लिमिटेड रिसोर्सेज जो आपके लिए बेस्ट हैं आपको वो चूज करने पड़ेंगे। आप 1000 रिसोर्सेज के साथ नहीं पढ़ पाएंगे। एक चीज़ को अच्छे से पढ़ना, डेप्थ में पढ़ना इज़ बेटर देन आप 10 बुक्स को सुपरफिशियली पढ़ें। 10 बुक को सुपरफिशियली पढ़ने से कोई नॉलेज गेन नहीं होगी, कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आएगी, आप अच्छे से कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे जिसके अंदर थोड़े भी कंसेप्ट लगे हैं। सो बेटर है कि आप एक बुक को के ऊपर रिले कीजिए, एक टीचर के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। डू नॉट ट्रस्ट मैनी टीचर्स, एवरी टीचर इज़ गुड। आपको सिर्फ ये चूज़ करना है कि कौन से टीचर के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, कौन से टीचर से आपको चीज़ें समझ आती है, एंड देन जस्ट स्टिक टू दैट वन टीचर। इवन डू इट विद योर बैचेस। मैंने देखा है बहुत लोग एक के बाद एक बैच खरीदते जाते हैं एंड नाउ दे हैव मल्टीपल रिसोर्सेज, मल्टीपल बैच, और उन्हें लगता है सब बैच से पढ़ के फिर तो इनफ हो ही जाएगा। नहीं, स्टिक टू वन बैच। एक बैच लीजिए और वही बैच का यूज़ कीजिए, उसी को पूरी तरीके से यू नो फॉलो कीजिए, यूज़ कीजिए। स्टिक टू वन रिसोर्स। व्हाट ऑल यू नीड इज़ वन बुक विच इज़ NCERT, वन टीचर, कोई भी टीचर हो आपके लिए जिससे आपको समझ आता है, वन ट्रस्टेड टीचर ऑफ योर्स, एंड वन बुक फॉर योर क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये बुक हो सकता है DPPs, हो सकती है आपके टीचर की क्वेश्चन बैंक्स, हो सकते हैं आपके टीचर के कोई मॉड्यूल हो सकता है, बट गो विद दिस फॉर्मूला। बी मिनिमलिस्ट, लेस इज मोर। इस चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए, एक एक चीज़ पकड़िए हर चीज़ के लिए, अपने कंसेप्ट्स के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बुक के ऊपर रिले कीजिए, टीचिंग के लिए एक टीचर के ऊपर रिले कीजिए जो आपको उन सब कंसेप्ट्स को सिंप्लीफाई करके समझा पा रहा है और जिससे आपको समझ आ रहा है, और लास्टली एक बुक या एक DPP या एक मॉड्यूल या एक तरह के क्वेश्चन बैंक के ऊपर स्टिक कीजिए जो आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करेंगे। सो बी मिनिमलिस्ट व्हाइल यूजिंग रिसोर्सेज, दिस वुड बी माय फर्स्ट टिप। द नेक्स्ट स्टेप इज टू यूज आइजनहावर मैट्रिक्स। नाउ आइजनहावर मैट्रिक्स लुक्स लाइक दिस। ना आई नो कि आप चीज़ों को डेलीगेट नहीं कर सकते, किसी और को नहीं बोल सकते कि वो आपके लिए पढ़ लें। सो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप आइजनहावर मैट्रिक्स को अप्लाई करके अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। सो अर्जेंट और नॉन अर्जेंट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को लिख दिया है, जो भी आपको इस इमेज में दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। सो टेक अ व्हाइल एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इमेज।
और इन सभी चैप्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इनसे आप दो से ज़्यादा क्वेश्चन अपने फाइनल एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं और मॉक टेस्ट में भी इन क्वेश्चंस, इन चैप्टर्स से जो क्वेश्चन प्रोपोर्शन होगा वो काफ़ी हाई होगा। सो मेक श्योर ये चैप्टर्स को आप एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस दें। तो इंपॉर्टेंस और नॉन इंपॉर्टेंस तक अब आपको क्लियर हो गया होगा। अर्जेंसी और नॉन अर्जेंसी हम कैसे डिफाइन करेंगे वो देखते हैं। सो पहले आप अर्जेंसी को डिफाइन कर सकते हैं नंबर वन कि अभी नियर बाय आपका कोई मॉक टेस्ट आने वाला है तो उसके अंदर अगर वो चैप्टर आ रहा है और आपने नहीं पढ़ा है तो आपके लिए वो अर्जेंट हो जाता है, और अगर पढ़ लिया है तो इट इज़ इन द नॉन अर्जेंट कैटेगरी। दूसरा, मान लीजिए मॉक टेस्ट वाला सीन नहीं है तो जो चैप्टर आपने अभी तक नहीं टच किए हैं वो आपके लिए अर्जेंट टू डू है बिकॉज आपने एक बार भी नहीं पढ़े तो वो डेफिनेटली टाइम लेंगे कवर करने के लिए। सो वो अर्जेंट चैप्टर्स हैं। जो आप एक बार पढ़ चुके हैं उन्हें अब दोबारा पढ़ने में उतना टाइम नहीं लगेगा। सो इसलिए अगर आप वो चैप्टर्स को देखेंगे तो अभी आपके लिए वो नॉन अर्जेंट चैप्टर्स हैं। इस तरीके से आप अपने लिए अपना आइजनावर मैट्रिक्स डिज़ाइन करेंगे। ये कोई और नहीं कर सकता आपके लिए क्योंकि आपको पता है आपके लिए क्या अर्जेंट है क्या नॉन अर्जेंट है। इंपॉर्टेंस मैंने आपके लिए सॉर्ट कर दिया है। सो आज ही एक पेन और पेपर लीजिए और अपने लिए एक आइजनावर मैट्रिक्स बनाइए ताकि आपको समझ आ सके कि कौन से चैप्टर्स को पहले रिवाइज करना है, कौन से चैप्टर्स को पहले कवर करना है, कौन से चैप्टर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस पहले करनी है, ताकि अगर बाद में कुछ चैप्टर्स रह भी जाते हैं जो कि नॉन अर्जेंट और नॉन इम्पॉर्टेंट थे तो आप ज़्यादा मार्क्स लूज़ नहीं करेंगे अपने मॉक टेस्ट में, आप फिर भी एक अच्छा स्कोर लेकर आ पाएंगे। लेकिन अगर आप रैंडमली रखेंगे इस चीज़ को कि कौन से चैप्टर पहले कवर करना है और कौन से चैप्टर को पहले रिवाइज करना है सो यू विल एंड अप इन लूजिंग मोर मार्क्स, क्योंकि हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि हम पहले नॉन इम्पॉर्टेंट टास्क के ऊपर जाते हैं क्योंकि वो ईजी होते हैं करने में, राइट? अगर मैं आपको बोलूँगी कि रोटेशनल मोशन पढ़ लो या तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ लो तो यू विल गो फॉर यूनिट्स एंड डायमेंशंस बिकॉज इट इज़ ईजी, आपको लगेगा कि अभी कवर हो जाएगा और इस वजह से रोटेशनल मोशन एंड तक कवर नहीं हो पाता है। और क्योंकि रोटेशनल मोशन से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली मॉक पेपर में यू विल एंड अप लूजिंग सो मेनी मार्क्स। अगर आपने सिर्फ यूनिट्स एंड डायमेंशंस नहीं पढ़ा होता, हालांकि वो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट बिकॉज यू नो इट्स बेसिक्स तो फिर भी आप कम मार्क्स लूज करते। सो इस तरीके से डिसाइड कीजिए, अपने आइजनहावर मैट्रिक्स को खुद से डिज़ाइन कीजिए आज ही एक पेन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द थर्ड थिंग इज़ प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी। बहुत लोग आपको बोलेंगे कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू हैव अ प्लान, टू हैव अ स्ट्रैटेजी, जस्ट मुझे फॉलो करो, सिर्फ बैच को फॉलो करो वगैरह वगैरह, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्लान, टू हैव अ स्ट्रैटेजी। देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज 10/90 रूल विच स्टेट्स दैट 10% ऑफ योर टाइम जो आप अपनी प्लानिंग में इन्वेस्ट करते हैं इट सेव्स 90% ऑफ योर टाइम वाइल एक्टिंग वाइल द एक्शन, राइट? एंड इट इज़ वेरी ट्रू। अगर आप बिना प्लानिंग के प्रोसीड कर रहे हैं आपको एक्चुअली कुछ नहीं पता है कब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, इस हफ्ते इस महीने आप कौन से चैप्टर्स कवर कर, यू हैव नथिंग इन योर माइंड, यू आर जस्ट रैंडमली गोइंग टूवर्ड्स समथिंग, ओके? इतना ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट अच्छा नहीं है। एक प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास प्लान होना चाहिए कि इस महीने आपको कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं, दिसंबर में कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं, जनवरी में, फरवरी में, कब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग। यू शुड हैव अ प्लान फॉर एवरीथिंग। कितने मॉक टेस्ट आपको देने हैं, यू शुड हैव अ प्लान फॉर दैट। यू शुड हैव स्ट्रैटेजी कि आप कैसे एक चैप्टर को अप्रोच करेंगे, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे, कितने आपको करने चाहिए, कितने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, कैसे मॉक टेस्ट को एनालाइज करेंगे। फॉर एवरीथिंग यू शुड हैव अ स्ट्रैटेजी। अगर आप हर चीज़ को रैंडम करेंगे तो रैंडम रिजल्ट्स ही आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आप प्लानिंग और स्ट्रैटेजी से चलेंगे तो कंसिस्टेंटली प्लानिंग और स्ट्रैटेजी से चलने के बाद आपको कंसिस्टेंट ग्रोइंग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ट्रस्ट मी, प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी इज इम्पॉर्टेंट। यू शुड हैव अ प्लान, यू शुड हैव अ स्ट्रैटेजी फॉर एवरी एरिया ऑफ योर प्रिपरेशन। सो मेक श्योर यू हैव दिस, मेक श्योर आप अभी बैठकर एक पेन और पेपर लेकर अपने लिए प्लानिंग करें कैसे आप अपना सिलेबस फरवरी तक कंप्लीट करेंगे। यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ दैट, डोंट गो रैंडमली, प्लीज़ डोंट। आई एम लिटरली गिविंग यू वार्निंग हियर, प्लीज़। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट टाइम ब्लॉकिंग एंड हैविंग अ टू डू लिस्ट। तो मैंने कई बार बोला होगा कि टाइम ब्लॉकिंग इज समथिंग दैट डज नॉट वर्क फॉर मी एंड इट्स ट्रू। मतलब मैं ऐसे नहीं है कि 6 से 7 ये करना है, 7 से 8 ये करना है, बट अगर आप बहुत इनडिसिप्लिन्ड हैं, इनकंसिस्टेंट हैं, तो टाइम ब्लॉकिंग इज़ अ मैजिकल टूल फॉर यू।
बिकॉज मैं भी फॉर पास्ट फ्यू मंथ्स स्पेशली आई हैव बीन वेरी इनकंसिस्टेंट एंड इनडिसिप्लिन नॉट जस्ट फॉर पास्ट फ्यू मंथ्स एक्चुअली द पास्ट ईयर आई हैव बीन वेरी इनडिसिप्लिन एंड इनकंसिस्टेंट सो फॉर मी टाइम ब्लॉकिंग वर्कड तो जब आप हील कर रहे हैं उस इनकंसिस्टेंटी और इनडिसिप्लिन रूटीन से तो टाइम ब्लॉकिंग एक्चुअली बहुत अच्छा टूल है बिकॉज अगर आप टाइम ब्लॉकिंग की हेल्प नहीं लेंगे ना तो वो बिकॉज आप अभी कैरेक्टरिस्टिकली ही एक इनडिसिप्लिन इंसान है तो आप हमेशा इंपॉर्टेंट चीज़ों को अवॉइड कर देंगे एंड बिकॉज यू डोंट हैव अ प्लान कि कैसे आपको डे में प्रोसीड करना है यू रैंडमली डू थिंग्स और एंड अप इन डूइंग नथिंग सो टाइम ब्लॉकिंग विल रियली हेल्प यू लाइक अ मैजिक अगर आप इनडिसिप्लिन्ड हैं अभी और आप बहुत कुछ करने के बाद भी आपको पता नहीं लगता है कि कैसे आपका पूरा टाइम वेस्ट हो गया है और कुछ रिजल्ट ही नहीं निकला तो अगर आप इस स्टेट में हैं ना तो टाइम ब्लॉकिंग इज़ मैजिकल फॉर यू प्लीज़ प्लीज़ यूज़ टाइम ब्लॉकिंग आज ही बैठ के एक ऐसा 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9 वाला टाइम टेबल बनाइए एंड ट्राई टू फॉलो दैट ओके पहले दिन पूरा फॉलो नहीं होगा बट धीरे 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 आप उसको फॉलो करने लग जाएंगे एंड आफ्टर लाइक 7 days, 8 days आप स्टेट पे होंगे कि आप ऑलमोस्ट 90% ऑफ दैट टाइम टेबल को फॉलो करते होंगे तो टाइम ब्लॉकिंग विल हेल्प यू अगर आप इनकंसिस्टेंट हैं इनडिसिप्लिन्ड हैं तो बट अगर आपका अच्छा चल रहा है प्रिपरेशन एंड टाइम ब्लॉकिंग इज समथिंग जिसमें आप बिलीव नहीं करते हो इट्स गुड ना टू डू लिस्ट इज समथिंग जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आई होप मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स टू डू लिस्ट की हेल्प लेते ही होंगे दे हैव अ प्लान ऑफ कि उनको आज के दिन क्या क्या करना है व्हाट आई वांट टू ऐड हियर इज जो मैंने अभी अभी ईट द फ्रॉग विच इज़ अ बुक अबाउट 21 ग्रेट वेज टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग मैं पढ़ा था दैट यू शुड मेक योर टू डू लिस्ट एट नाइट सो आई एम द पर्सन जो अपना टू डू लिस्ट सुबह बनाती थी बट आफ्टर रीडिंग दैट बुक एंड आई स्टार्टेड making that to-do list at the night so it actually made me see significant results so make sure ki aap apna to-do list na raat mein banaye not in the morning make it at the night okay definitely you will going to see results now the last aur ye bahut hi controversial point ho sakta hai iske upar kuch log agree karenge mujhse aur kuch log nahi karenge which is to stop watching motivational videos Yes, you need not to watch any motivational videos because they are not at all helping. They are not helping you 0.1%. वो आपको 0.1% भी help नहीं कर रही है in any way. Motivational video देखना is a trap, and you can be in trap और आपको पता भी नहीं लगेगा कि you are part of this net. Let me explain it to you what happens when you are watching a motivational video. So for example, मैंने आज कुछ पढ़ा and I suddenly felt like I don't have to study now. Then I go on YouTube, search for a motivational video क्योंकि मुझे पता है मेरा एग्जाम है मुझे पढ़ना है एंड आई वॉच दैट मोटिवेशनल वीडियो तो ट्रिगर मिलेगा मुझे मोटिवेशन वीडियो देखिए एंड देन आई गो बैक टू स्टडीज मैं पढ़ने लग जाऊँगी शायद मैं एक वो मोटिवेशनल वीडियो का मोटिवेशन एक दिन दो दिन एक हफ्ता दस दिन चलेगा बट आफ्टर दैट इट विल ड्रॉप अगेन एंड द रीज़न बी यू हैव नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम मोटिवेशनल वीडियोस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही हैं आपको अननेसेसरी शॉर्ट टर्म प्लेजर देने की जैसा है मोटिवेशनल वीडियो देखना सो इट इज़ लाइक व्हाई यू आर नॉट स्टडिंग इज आपको कोई प्रॉब्लम है यू आर नॉट एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस यू डोंट एन्जॉय स्टडिंग ओके आपको कुछ समझ नहीं आता ही योर फ्रीक्वेंसी डजेंट मैच विद योर टीचर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है समझ नहीं आता है आपको कंसेप्ट नहीं समझ आते हैं पढ़ने के बाद भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं एंड ऑल ऑफ दिस लीड्स टू यू नॉट बी एबल टू स्टडी क्योंकि आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करना चाहते हैं जो आपको नहीं आती है एंड दिस इज़ बाय नेचर अगर आपको बास्केटबॉल खेलना आता है और मैं आपसे कहूँगी कि गो एंड प्ले बास्केटबॉल यू हैप्पीली डू दैट बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो आपको ऑलरेडी आता है तो आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना ही नहीं है इन प्लेइंग बास्केटबॉल बट इफ़ आई टेल यू गो एंड प्ले टेनिस और अगर आपको टेनिस खेलना नहीं आता है आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा और आपका उतना विल ही नहीं होगा टेनिस खेलने के लिए बहुत रेसिस्टेंस होगा आपके माइंड में आपकी बॉडी से दैट वी डोंट वॉन्ट टू प्ले टेनिस बिकॉज वो हमें नहीं आता है खेलना एंड दिस हैपन्स इन एवरी एरिया यू डोंट वॉन्ट टू स्टडी बिकॉज यू आर नॉट गुड एट स्टडीज आप नहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं बिकॉज आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं जो टॉपर्स हैं या जिनसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्योंकि उन्हें क्वेश्चन सॉल्व करना आता है इसलिए वो और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क अगर कोई चीज़ आपसे नहीं हो रही है
तो वो करने का आपका मन नहीं करेगा, उसमें कोई मोटिवेशनल वीडियो आपकी हेल्प नहीं कर सकती है। अंडरस्टैंड दिस, आपको आपकी प्रॉब्लम फिक्स करनी है। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो गो एंड वॉच अ वीडियो ऑन हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस रादर देन वॉचिंग अ वीडियो ऑन हाउ टू स्टडी 12 आवर्स अ डे। इट विल नॉट हेल्प, बट द वीडियो ऑन हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस विल हेल्प, बिकॉज वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएगी। एंड आफ्टर दैट आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका मन करेगा और क्वेश्चन सॉल्व करने का। सो मोटिवेशनल वीडियो इज लिटरली अ ट्रैप, इट विल नॉट हेल्प यू। बट आई हैव सीन ओवरलोडेड मोटिवेशनल वीडियोज आर देयर ऑन द इंटरनेट, नॉट हेल्पफुल, जस्ट दे आर स्पीकिंग एनी थिंग दे वॉन्ट टू मेक यू फील, मतलब इमोशनली आपको यू नो सीज करने की कोशिश की जाती है, दैट यू हैव टू डू इट फॉर योर पेरेंट्स, यू हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फ्यूचर, फॉर द मनी यू वॉन्ट टू मेक, ब्ला ब्ला। इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। ऐसी मोटिवेशनल वीडियोज से आपका मोटिवेशन नहीं ज़्यादा दिनों के लिए टिक पाएगा। वॉट वर्क्स इज अ डिसिप्लिन। आप मोटिवेटेड हैं, अनमोटिवेटेड हैं, आपका मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, प्यार आ रहा है, खुश हैं, दुखी हैं, आपको आपका काम करना है। यू हैव टू डू योर वर्क। राइट नाउ माई स्टमक इज लिटरली पेनिंग सो मच, बट आई एम शूटिंग दिस वीडियो बिकॉज इट्स देयर इन माई स्केड्यूल, सो आई हैव टू डू इट। डजेंट मैटर, द पेन डज नॉट मैटर। इफ आई एम क्राइंग फ्रॉम इनसाइड, दैट डजेंट मैटर। इफ आई एम स्माइलिंग आउटसाइड, दैट डजेंट मैटर। योर इमोशन शुड नॉट ओवरसीज योर एक्शंस, योर एक्शंस शुड कंट्रोल योर इमोशंस, एंड यू नीड टू टीच दिस टू योर सेल्फ। मेक योर एक्शंस मास्टर ऑफ योर इमोशंस। इफ यू आर एबल टू डू दिस ना, एवरीथिंग विल बी ईजी। ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, डोंट गो आफ्टर एनी मोटिवेशनल वीडियो। दैट वुड बी माई ओपिनियन, लाइक एंड आई रियली बिलीव कि अगर आप इसे फॉलो करेंगे एंड इफ यू वॉन्ट डोंट वॉच मोटिवेशनल वीडियोज डिस्पाइट यू स्पेंड टाइम इन फिक्सिंग योर प्रॉब्लम्स, दिस कुड बी द मोस्ट लाइक जेन्युइन हेल्प यू कैन डू टू योर सेल्फ। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड दिस हेल्प यू इन मेनी वेज। इफ यू वॉन्ट टू हेल्प योर सेल्फ लाइक दिस इन मेकिंग योर प्रेपरेशन जर्नी सीमलेस एंड स्मूथ, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दैट इज इट, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।